सीरियस इश्यूज को लेकर हमें भेजा गया है यहाँ, ताकि हम एक दूसरे की बात सुने, बात करें और रास्ता निकालें। मसाइल उलझे हुए हैं, उनका हल निकालने की कोशिश कर लें। ऐसा ना करें हम, नुकसान में रहेंगे हमारे आवाम, नुकसान में वो रहेंगे जिन्होंने हमें चुनकर भेजा है यहाँ, और साथ ही साथ हमें अफसोस भी होगा। लेकिन आज भी मेरा मशवरा होगा हर ऑनरेबल मेंबर से कि हमें आवाम के जो एस्पिरेशंस हैं, उनके तकाजों को पूरा करने का जो मौका मिला है, उसको जाया होने ना दे, ये मेरी रिक्वेस्ट। सीपीआईएम इस बिल का, इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट करती है, लेकिन बीजेपी का यह आरोप है कि चोरी छुपी जो है इस अमेंडमेंट, इस बिल को लाया गया और उसके बाद चोरी छुपी, शायद कल दिन था ना, दिन का उजाला था ना, वो बैठा था। आप अगर किसी की आंखें देखने से इनकार कर ले और सुबह को वो रात कहे, उल्टा कहे, क्या कहे कि पाकिस्तान एजेंडे को वापस लाने की जो है कोशिश की जा रही है, उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनको इस उनको ऐनक बदलने की, उनको ऐनक बदलने की जरूरत है। जो रेजोल्यूशन था वो किसी और जगह का नहीं था, बल्कि अपने मुल्क के रहनुमाओं से जो दिल्ली में बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, हमने उनसे कहा बात करो अवामी नुमाइंदों के साथ उन हकूक पर जिनको छीना गया है हमसे, जो आईन के अंदर दर्ज थे। ये पाकिस्तान का एजेंडा नहीं, ये हमारा एजेंडा है। सदन में तो ये पास हो गया। शुक्रिया, शुक्रिया। अब क्या कोई और शख्स ढूंढिए आप।